हमारा मैं एक सुंदर मित्र ओम प्रकाश तलागी भारतीय सेना दोस्तों, एक भारतीय सैनिक होने के नाते ठीक है अपने सैन्यकाल के दौरान प्लस वर्तमान में एक सैनिक की ड्यूटी यह है कि कोई भी देश के अंदर कोई कमज़ोर किसी इंसान को अगर सताया जा रहा है या देश के अंदर कोई भी खतरा होता है तो एक सैनिक का एक नैतिक कर्तव्य और फर्ज होता है कि उसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को बताए, ठीक है, लोगों को बताना ये हमारी जवाबदारी है और हमारा फर्ज है कि ये चीज़ गलत है और जनता ऑलरेडी समझदार है, उनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है और जो बंदा कहना चाह रहा है वो चीज़ सही है या गलत है। दोस्तों अभी जो है अभी आपको पता होगा कि फैजल खान की एक फिल्म फैक्ट्री रिलीज हुई है, ठीक है, आमिर खान का छोटा भाई है वो, और उसमें सोशल मीडिया में भी काफ़ी बहसें चली है, सोशल मीडिया के अंदर उसके बारे में काफ़ी बताया जा रहा है, ठीक है, और कुछ क्रिटिक लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कमज़ोर लोगों से उनको कोई मतलब इनको ये मतलब नहीं होता कि क्या है, वो सिर्फ अपना जो है पैसा बनाने में, ठीक है, अपना पैसा बनाना, ठीक है, चमचागिरी करना, इस चीज़ में लगे रहते हैं, ठीक है। उनमें से अभी मैं आपको क्रिटिक किस तरीके से मतलब कमज़ोर लोगों के बारे में कोई भी नेपोटिज्म का जो किस्सा सुशांत राजपूत के बीच में शुरुआत था ना उसी से माध्यम है, बात को वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और मैं पहले इसको देखो के आर के साल की उम्र का आदमी दिखता है एकदम बूढ़ा खूसट। कहावत है कि इज्जत घर से शुरू होती। खान की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम तो फैक्ट्री बता रहा है लेकिन मेरे हिसाब से उसका नाम है फैक्ट्री, मतलब उसने डबल ए उसके अंदर डाला है। एक्चुअली मैं इस फिल्म के बारे में कोई बात नहीं करने वाला था, ना ही इसके ट्रेलर का रिव्यू करने वाला था, ना ही इस फिल्म का रिव्यू करने वाला था और ना ही ऐसी फिल्मों का मैं रिव्यू करता, ना ही मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ, लेकिन फैजल खान के इंटरव्यू देख देख कर मैं पक चुका हूँ, मेरे दिमाग की दही हो गई है। मतलब ये आदमी इतनी घटिया हरकतें कर रहा है, इंटरव्यूज में ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि अपनी इज्जत की तो माँ बहन कर ही रहा है, साथ में इतने बड़े स्टार आमिर खान की भी बेइज्जती कर रहा है, बल्कि अपनी पूरी फैमिली की इज्जत उछाल रहा है। पहले तो इस आदमी को जरा गौर से देखिए, ऐसा लगता है जैसे छिला हुआ अंडा। 51 साल की उम्र में 71 साल की उम्र का आदमी दिखता है एकदम बूढ़ा खूसट। कहावत है कि इज्जत घर से शुरू होती है, तो जाहिर सी बात है जिस आदमी की इज्जत घर में ही नहीं है तो उसकी इज्जत बाहर कोई क्यों करेगा, कैसे करेगा। पूरे ट्रेलर में इसकी एक्टिंग देखकर मुंह से यही निकलता है कि भाई साहब शर्म नहीं आ रही आपको, अरे क्यों अपने आप को एक्टर बनाना चाहते हो जब तुम एक्टर हो ही नहीं। यार तुम तो जवानी में भी एक्टर नहीं बन सके, बुढ़ापे में क्या एक्टर बनोगे भाई। अच्छा ऊपर से फिल्म में गाने भी खुद ही गा रहा है, फिल्म का डायरेक्शन भी खुद ही किया है। अरे भाई साहब आपको डायरेक्शन का डी नहीं आता, आपको एक्टिंग का ए नहीं आता, आप गाते कम हो ही हिलाते ज्यादा हो, बच्चे अगर आपका गाना सुन ले तो पूरी रात रोते रोते गुजारे, और इस सब के बाद आप अपने आप को आमिर खान से कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, ये कह रहे हो मैं तो डायरेक्टर हूं तो आमिर खान को मुझे फोन करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मैंने जो ये दोस्तों के आर का जो ये क्रिटिक है ये बंदा के आर के कमाल आर खान, ठीक है, इसका आप देख लेना पूरे वीडियो तकरीबन इसने जो है रिव्यू दिया हुआ है, ये फैक्ट्री फिल्म के बारे में रिव्यू दिया है और ये जो जो बोल रहा है और जो जो इसने बोला है ना उसके बारे में मैं जरा सा इसको उत्तर देना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर एक की बात है, इसने बोला कि जो फैक्ट्री फिल्म लगी है इसका नाम फैक्ट्री नहीं जबकि फैक्ट्री होना चाहिए, ठीक है, उसने डबल ए के हिसाब से बोला तो मैं उसकी बात को मान लेता हूँ कि चलो डबल ए है, फैक्ट्री में एक सिंगल ए होता है तो फैक्ट्री डबल ए के हिसाब से फैक्ट्री बोला उसने, चलो इसको हमने हल्के में लिया, चलो ठीक है वाली बात है, ठीक है। और नंबर दो में ये बंदा बोलता है कि ट्रेलर मैं इस फिल्म का जो है ना ट्रेलर, ठीक है, ना मैं इस फिल्म का ट्रेलर देखना चाहता था, ना इसको फिल्म को देखना चाहता था, ना मैं इसका रिव्यू करना चाहता था क्योंकि ये निम्न स्तर की घटिया फिल्म है, ठीक है। दोस्तों आपको पता सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है, ठीक है, सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया था, उसके बाद भी जांच पे जांच तारीख पे तारीख चलती जा रही है और पता नहीं ये केस कब सॉल्व होगा, इसके बारे में आपको शायद
10 15 साल 20 साल 25 साल बाद पता चले कि एक था सुशांत, ठीक है। तो ये वो क्रिटिक है दोस्तों, ये पैसा लेके किसी भी फिल्म का प्रमोशन करता है, ये दर्शकों के लिए एक प्रकार के गद्दार है, दर्शकों के लिए ये गुनाहगार है, दर्शकों के देश के उन भावी दर्शकों के गुनाहगार हैं जो गलत मैसेज गलत इन्फॉर्मेशन दे दे के लोग पिक्चरों को रेटिंग देते हैं, क्योंकि इन लोगों को वो पिक्चर वाले पैसा खिलाते हैं। अगर दोस्तों अगर 100-200 करोड़ रुपये की फिल्म लगी बनेगी तो फिल्म बढ़िया होती है, तो इन जैसे कुत्ते के मुँह में खाना डाला जाता है ना, कुत्ते के मुंह में रोटी दी जाती है तो जैसे कुत्ता खुश हो जाता है, क्योंकि वो मालिक का भरोसेमंद होता है, मालिक अगर उसे प्यार करता है तो उसके लिए जान तक दे सकता है। तो इनकी संज्ञा ना एक कुत्ते से कम नहीं है दोस्तों, कुत्ते की मैं बड़ी इज्जत कर रहा हूँ क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, ये लोग वो गद्दार लोग हैं ना, ठीक है। ये फिल्म मेकर के साथ मिलके बड़े बड़े जो फिल्म मेकर हैं उनके साथ मिलकर ये लोग क्या करते हैं, इनको पैसा खिला दिया जाता है और उसके बाद ये फिल्म का रिव्यू देते हैं, फिल्म का रिव्यू देके इस तरीके से फिल्म की स्टोरी को ये लोग पेश करते हैं जैसे कि 135 करोड़ जनता को ये लोग ये विश्वास दिला देते कि ये जो आने वाली फिल्म है चाहे किसी की भी है ना, ये बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, और इसमें जनता क्या है धोखा खाती है, ठीक है। ये जो फिल्म आई है, ठीक है, क्या कहते हैं फैक्ट्री, इससे जनता के दिलों में बहुत बड़ा मैसेज गया है। और ये जो क्रिटिक लोग हैं ना जो चमते, ठीक है, जिनकी जीप लप लप करके बाहर रहती है और ये पैसे के भूखे वो भेड़िए हैं जो जनता को बेवकूफ़ बना के खिड़की टिकट विंडो तक खींच के ले आते हैं थिएटरों की, और वहाँ जा पे के पिक्चर देखने के बाद पता चलता है कि ये पिक्चर तो जीरो बट्टा सन्नाटा फुस से थी यार, ठीक है। कमज़ोर इंसान की दोस्तों ज़िंदगी में कोई मदद नहीं करता, ये इतिहास गवाह है, और देश के अंदर और भारत के अंदर हमारे देश के अंदर ये चीज़ हमेशा साबित हुई है, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कहीं भी जॉब करने का रोल हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर नेपोटिज्म का मामला सामने आ ही जाता है और कमज़ोर लोगों के इंसान को दबाया जाता है और उसको उभरने का और उसके टैलेंट को देखने का मौका दिया ही नहीं जाता, इस तरीके से उसको अपाइज और पैरालाइज कर दिया जाता है दोस्तों। उसी का ये किस्सा केआरके भी है, जो एक क्रिटिक है जो अपने को बहुत बड़ा फन्ने का समझता है, जो ये सोचता है कि मैं जो कहूँगा वो जनता मानेगी, और जनता ने इस बात को माना भी है, ये अपने को बहुत बड़े पेशेवर क्रिटिक बनाते हैं। अब तेरा है गधे से भी पल्ली तरफ का केआरके, तेरा दिमाग है, ठीक है, जनता ने तुझे इस तरीके से भाव दिखे जिससे ऊपर किया, जनता से भी रिक्वेस्ट है ऐसे गंदे लोगों का ना जो जनता को भीखू बनाते हैं और कमज़ोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर बड़े बड़े निर्माताओं की चमचागिरी करके उनके तलवे चाट के, ठीक है, उनके तलवे चाट के उनका झूठन खा के उनके चंद टुकड़ों में फल कर ये लोग उनका जो है रिव्यू देते हैं पिक्चरों का और उस पिक्चर की इतनी तारीफ कर देते हैं कि दर्शक भीखू बन के विंडो तक पहुँचते और लास्ट में वही, ठीक है, पैसा बर्बाद, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सोशल मीडिया के अंदर जो है फैक्ट्री का जो भी रिव्यू चला हुआ है उससे रिव्यू चला उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन फैजल के बारे में ऑन सर्विस के अंदर फैजल काल की मैंने भी हमने पेज पर उस समय हम आसाम में थे, ठीक है, हमारी ड्यूटी आसाम में चल रही थी, तो उस समय हमने वो फिल्म मेला देखी थी वहाँ पर, ठीक है, रंगिया के अंदर 20-21 साल का वो सफ़र है। तो उस समय क्या की वाली बात है, तो फैजल का शान के साथ उस समय सोशल मीडिया इतने स्ट्रॉन्ग नहीं था, फैजल का शान के साथ क्या हुआ, फैजल खान के अंदर जो है उसके भाई बड़े भाई आमिर खान ने किस तरह से उसको टॉर्चर किया, किस तरह से उसको असुरक्षित किया, किस तरह से उसको डिमोरलाइज किया, एक छोटे भाई को किस तरह से उसने परेशान किया, ठीक है, उसके परिवार के अंदर उसका बड़ा भाई होने के नाते 55-56 साल का वो बूढ़ा इंसान आमिर खान, ठीक है, किस तरीके से उसने इस बंदे को फैजल खान को बोला कि भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आती है, ठीक है, तू एक्टिंग का जीरो है, तेरे को एक्टिंग का जीरो भी नहीं आता, तू फिल्म छोड़ दे, ठीक है, इसको मेंटल घोषित किया है। कोर्ट के अंदर आमिर खान ने खुद बोला कि भाई तू जाके वहाँ पर साबित वहाँ पर बोल दे कि मैं पागल हूँ और मेरे पास जो साइनिंग अथॉरिटी जो भी प्रॉपर्टी की है आमिर खान को दे दी जाए, ठीक है। ये वो बड़ा भाई था भेड़िए के नाम पर, समझ गए,
जिन्हें छोटे भाई का कोई सपोर्ट नहीं किया, अपने को बहुत बड़ा स्टार इसने समझा। और आने वाले समय 10-12 साल के बाद आमिर खान नाम कौन था कोई नहीं जानेगा दोस्तों, 2-4 पिक्चर हिट हो जाने से, ठीक है, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, 2-4 दिन तक आमिर खान चलेगा। ये वो लोग हैं जिनको भारत में डर लगता है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम भारत में नहीं रह सकते, हमारे को यहाँ पर सुरक्षा नहीं मिल सकती है, और इंडिया के दर्शकों की कमाई, मोटी कमाई से ये ऐसा आराम कर रहे हैं और 25-25, 30-30 साध्य करके, ठीक है, अय्याशी का जीवन जी रहे हैं ये भेड़िए, ठीक है। कोर्ट ने फिर फैजल खान को मारा कि कोर्ट ने फैजल खान के लिए कहा कि ये मेंटल नहीं है, सब कुछ ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में बंदे को डाला गया था 2 महीने के लिए, ठीक है। लोग धीरे धीरे समय के साथ सुशांत को लोग भूल गए, लेकिन दोस्तों हम तो नहीं भूले हैं, लेकिन वक्त के साथ इसके बारे में हम बीच बीच में जगाते रहेंगे, चाहे वो CBI हो, चाहे कोई भी हो, CID जो भी है उनको भी जगाते रहेंगे, नेपोटिज्म के गद्दारों के बारे में बताते रहेंगे, और किस तरीके से यहाँ पर भाईचारा, गरीब आदमी को सफाया कर दिया जाता है, और जो एक्टर जो बिना संघर्ष के जो बाहर से आकर अंदर आया, किस तरीके से उसके पर काट दिया जाता है, इसके बारे में हम बीच बीच में बताते रहेंगे। जो भी कमज़ोर हिस्से होते हैं वो उसके बारे में हम हमेशा दर्शकों के बीच में, जनता के बीच में, सोशल मीडिया के माध्यम से लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो गलत है गलत है, 21-22 साल के बाद फैजल खान का नाम का वो इंसान अपनी पिक्चर लेके आता है, छोटी बजट की पिक्चर, उसने खुद साबित किया है कि छोटी बजट की पिक्चर है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जगहों को मतलब फिल्माया नहीं गया है, एक ही जगह तकरीबन 79% या 100% शूटिंग हुई है, और नॉर्मल थी, बंदे ने गाने भी खुद गाए हैं, प्रोड्यूस भी गए, निर्माता है, खुद बनाया, सब कुछ खुद बनाया दोस्तों, ठीक है। और उसने खुद बोला कि सिर्फ पिक्चर देख के, अगर पिक्चर बुरी है तो उसको नकार दीजिए, इसको थिएटर भी कम मिले दोस्तों। और सबसे शर्म की बात यह है कि आमिर खान उसका बड़ा भाई होने के नाते उसने इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है, वो दरिंदा और वो जल्लाद है, ठीक है, जिसको लोग सपोर्ट करते हैं, और आमिर खान करके लोग तलवे चाटते हैं जनता उनकी, और वहाँ जाके उनकी पिक्चरें देखते हैं, और इनकी पिक्चर को हिट और सुपर हिट किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फैजल खान की पिक्चर जो है, जो डेप्रो के नाम से मैंने कसम खाई थी कि नए धारावाहिक के TV के अंदर इनकी मतलब शकल तक नहीं देखो किसी फिल्म से, और ना मैं देखता हूँ, ना मैंने देखने की कोशिश करी है, और ना ही मैं कोई पिक्चर किसी की हो, जो अक्षर खाए हो, फन्ने खाओ, कोई भी सलमान खान फलाना ढिकाना जो भी हो ना, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जनता से बढ़िया जनता सर्वोपरि है, हमारे पैसे के टुकड़ों पर ये लोग अय्याशी करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, और हमारे टुकड़ों पर इन्हें बड़ी बड़ी गाली बोलते हैं, और हमारे टुकड़ों में ये बॉडीगार्ड रखते हैं, और वही बॉडीगार्ड जो है हमारे उस फैन को धक्का देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं, और हम जैसे गधे लोग इन लोगों रियल इंडियन आर्मी के सोल्जर को छोड़ के इनके पीछे लगे रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और फैजल खान की पिक्चर को सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ी फिल्म नहीं है, स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता और क्या होता है, लेकिन फैजल खान की फिल्म को सपोर्ट करने के लिए अब बहुत सालों के बाद मैं इस पिक्चर को देख ले पक्का दिल के अंदर थिएटर के अंदर जाऊँगा, और हो सकता है कि 2-4 बंदों को और लेके जाऊँ, ताकि अपनी तरह से एक कमज़ोर इंसान को सपोर्ट मिले कि यार कि इस देश के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जो कमज़ोर लोगों का सपोर्ट करते हैं, कमज़ोर लोगों की इज्जत करते हैं, कमज़ोर लोगों का सम्मान करते हैं, और कमज़ोर लोगों उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मुद्दे पर, उसके बाद ये इंसान बोलता है KRK नाम का जो ये दल्ला है ना, ये क्या बोलता है कि ना मैं इसका ट्रेलर देखना चाहता था, ना इसका फिल्म के बारे में रिव्यू देना चाहता था, ना फिल्म के बारे में रिव्यू देना चाहता था, ठीक है, क्योंकि ये घटिया स्तर की और निम्न स्तर की फिल्म है, इसने ये बोला था, और जबकि इसकी औकात, ठीक है, ये टिश्यू पेपर के बराबर नहीं है, KRK की जो भी है, अपने को बहुत बड़ा फन्ने का ये जो समझ रहा ना, अबे KRK तो इतना बड़ा फन्ने का नहीं है, अपनी औकात पे रह, अपनी कॉलर में रह, ठीक है। जनता तेरे को सुनना नहीं चाहती, ना तेरे के बारे में ये जानना चाहती कि तू कहना क्या चाह रहा है, जनता को पिक्चर पसंद आएगी तो देख लेगी, बहुत माध्यम है, तेरे जैसे दल्ले और चाटुकार लोगों की जनता को, देश की जनता को जरूरत है, यहाँ के दर्शक बहुत समझदार है, और धीरे धीरे क्रिटिक के बारे में सब समझ रहे हैं, किस तरह पैसा लेके लोग अपना गेम खेलते हैं। और उसके बाद बोलता है कि इसके इंटरव्यू देख देख के मैं पक चुका हूँ, अबे भड़वेते को किसने बोला कि तू इसका फैजल खान के इंटरव्यू देख और ये कर, कह रहा कि अपनी माँ बहन तो ये कर ही रखा है, और इतने बड़े स्टार आमिर खान की भी माँ बहन ये कर रहा है, अबे किस तरह से बड़ा स्टार है वो, है 25 शादियाँ करके वो इंसान बेशरम बैठा हुआ है, कितनी शादियाँ करके वो बैठा हुआ है, कितने गलत मैसेज होता है, अपने भाई को उसने पागल घरार घोषित किया, सत्य में जितू लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहा, खुद इसका करैक्टर 0/0 है, पाकिस्तान का ये सपोर्ट करता है, भारत में इसकी औरत और इसको खुद को डर लगता है, ठीक है, और ये महान एक्टर, अबे तेरे माँ बाप तेरे खानदान के लिए एक्टर बड़ा होगा, हमारे लिए 0 है, और हमारे तलुए के पैरों के तलुए के बराबर है, हम देश की जनता है, हम जो चाहे वो बोल कर सकते हैं, और ऐसे जिसको ज़मीन में गिराना हम गिरा सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का बचा धारणा।
कहता है कि इसकी शक्ल को देखो जैसे छिला हुआ अंडा, 51 साल का बंदा, 71 साल का, 51 साल का बंदा है, लेकिन क्या है ऐसा लगता है कि 71 साल का बूढ़ा खड़ा है। अब वो लपलपाते जीप वाले डल्ले सुन ले पहले, ठीक है, 51 साल का वो बंदा ना अभी भी 30 का लगता है, तेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, ठीक है, तेरी आंखों में पट्टी बन गई है, तेरे आंखों में हराम के पैसे की कमाई का पर्दा लग चुका है, जिसकी वजह से वो बंदा इतना स्मार्ट और खूबसूरत बंदा, ठीक है, तेरे को जो है 71 साल का लग रहा है। अबे हराम खोर, वो कम से कम 40+ लग रहा है, ना कि वो 51 साल का होते ही 71 का लग रहा है। छिला हुआ अंडा, ठीक है, छिला हुआ अंडा ना, तो अपने खानदान में अपने भाई को बोलना, अपने खानदान के लोगों को बोलना छिला हुआ अंडा, उसके बारे में बोली कोशिश मत करना, जनता के बीच में पड़ गया ना तेरे पे इतने जूते पड़ेंगे, क्योंकि जनता उसको फुल सपोर्ट कर रही है इस चीज़ का, क्या रखे तो हमेशा ध्यान देना। और ये बोलता है कि क्यों एक्टर बन रहा हो, जवानी में तो एक्टर बन नहीं सके, डायरेक्शन और जवानी में क्यों एक्टर बनते हो, जवानी में तो एक्टर बन नहीं सके हैं, जिससे वो उसने मेला फिल्म की थी ना, समझ गया, तू कभी झाड़ झंझाल में कहीं होगा, जिससे उसने 5-6 पिक्चर उस समय करी थी, समझ गया, और किस तरीके उसने एक्टिंग करी है, उसने अपनी एक्टिंग के साथ पूरा न्याय किया था, फेलियर रहा था मेला में आमिर खान, समझ गया नहीं समझ गया, और एजाज खान की जो एक्टिंग थी इसकी अपनी क्या कहते हैं फैजल खान की एक्टिंग थी वो 100% बिल्कुल सही थी, समझ गया, जवानी में एक्टर आप तू कौन सा, तू तेरी शक्ल से तू साला अभी से ना 50 की जगह ना तू खुद साला 90 साल का लगता है भड़वे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और गलत बात माँ बहन वाली शब्द मत निकालना, नहीं तो गालियाँ देने हमें भी आती है, इस तरह की गालियों से तेरा ना हिसाब किताब करेंगे कि तू जिंदगी रियाद रखेगा, समझ गया, हम इसलिए सपोर्ट में है, ठीक है, क्योंकि फैजल अली कमज़ोर इंसान है और उसके बैकग्राउंड इतिहास के बारे में पूरी जनता को अच्छी तरह पता है वो क्या है, ठीक है। और ये बोलता है आमिर खान के अपने को आमिर खान से कंपेयर करता है, अबे आमिर खान से कंपेयर करने की बात क्या है, एक ही ब्लड है, दोनों भाई है, समझ गया समझ गया, तू उनके बीच में रिलेशन के बीच में अप डाउन करने वाला तू कौन होता है, तू है क्या है, ठीक है, तू क्रिटिक मतलब रिव्यू करने वाला तू है क्या, तुझे क्या मतलब कि वो कंपेयर करता नहीं करता, बड़ा स्टार छोटा स्टार आदमी एक्टिंग से ही नहीं हो जाता, समझ गए समझ गए, कुछ जनता की नादानी है, कुछ जनता ने बेकूफियाँ करी जिस वजह से लोगों को पिक्चरें मिली और वो हिट हुई, और किस तरीके से लोगों को मसाला देके और बेवकूफ़ बना के पॉइंट ऑफ मतलब एंड पॉइंट कहते जगह पर लाया गया टिकट विंडो की जगह, जिसकी वजह से लोगों ने पैसे की अच्छी कमाई करी और जनता की जेब से पैसा गया और उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। कहता है कि इसकी फिल्म पे ऐसी है कि मतलब ये नल्ले भी नल्लों को ये मतलब ये दर्शक नल्ले नहीं है जो ऐसी फिल्मों को देखने जाएंगे, समझ गया ना, दर्शक नल्ले नहीं है मेरे भाई, ये बिल्कुल तुम्हें सही कहा, दर्शक बहुत दिमागदार और समझदार है, किसकी पिक्चर देखनी चाहिए नहीं चाहिए वो खुद डिसाइड करते हैं और खुद पिक्चर देखने जाएंगे, तेरे जैसे लोगों की उनको ज़रूरत नहीं है, जिनके पास ना दिमाग है, ठीक है, जो पैसे के खातिर कुछ भी बोलते हैं, ये पैसे के खातिर अगर खुद के खानदान के बारे में बोलना चाहे तो ये चुकेगे नहीं, इनमें पैसों से मतलब है, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, फिल्म कैसी बनी इससे कोई मतलब नहीं है, ये रिव्यू का सेटिंग करते हैं और उसका मतलब पूरी तैयारी करते हैं, उस हिसाब से रिव्यू देते हैं और जनता सोचती पिक्चर है चलो थिएटर में देखने जाते हैं, KRK ने इसके बारे में क्रिटिक ने जो है बहुत बढ़िया वो दिया तो पिक्चर अच्छी होगी, ठीक है, तो हमारा बाप नहीं बैठा जो हम तेरे बारे में तेरे कहने से फिल्म पिक्चरों में पिक्चर देखने जाए, समझ गया नहीं समझ गया। बोलता है कि गाते कम हिनहिनाते जाते हैं, कम से कम फैजल खान ने अबे डल्ले कम से कम फैजल खान ने कम से कम पहली बार जिंदगी में गाने की कोशिश तो करी और गाने की कोशिश तो अच्छे अच्छे गायकों उस बंदे ने फेल किया है और बिल्कुल सही है दोस्तों, दर्शक को मैं यही नहीं कहूँगा कि जबरदस्ती फिल्म देखने चाहो, मैं फैजल खान को सपोर्ट करना चाहता हूँ और उसकी स्टोरी कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाके वहाँ फिल्म देखूँगा और तकरीबन लोग ये भी माना जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि पिक्चर ठीक है, पिक्चर ठीक भी रहता है, सपोर्ट कर कमज़ोर इंसान है, कोई बात नहीं पैसा चले जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम फैजल खान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि फिर भी उस बंदे ने इतना डिप्रेशन में रहने के बाद भी एकांतवास के बाद भी 21 साल की डिप्रेशन के बीच में फिल्म में डायरेक्शन करने की गाना गाने की राइटिंग करने की हर चीज़ का जो है प्रोडक्शन डायरेक्शन का सबका काम अकेले किया, वही बहुत बड़ा मैसेज ऐसे लोगों के लिए जो एकदम हार मार जाते हैं उनके लिए ये जीता जाता उदाहरण है कि बंदे ने कभी भी हार नहीं मानी चाहिए, जैसे आमिर खान को जिसने उत्तर किसी ने मुँह तोड़ जवाब दिया, नेपोलियन गद्दारों को मुँह तोड़ जवाब दिया और खड़ा हो गया बिल्कुल, किसी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, नो कोई फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं कुछ नहीं, और पिक्चर चल रही है दोस्तों 4 करोड़ रुपये तक समय में वसूल हो जाएंगे और पिक्चर कमाई भी करेगी और आने वाले समय फैजल खान की वो बहुत अच्छी फिल्म भी देखने को नहीं मिलेगी।
देखने को मिलेगी, ठीक है। बोलता है कि इसको पिक्चर को देखने के लिए, के आर के बोलता है इस पिक्चर को देखने के लिए कुत्ता भी नहीं आएगा, ठीक है। सही बोला, कुत्ता भी नहीं आएगा, लेकिन कुत्ते की बेइज्जती हो रही है। कुत्ता एक बहुत सम्मानित प्रिय प्राणी है, इज्जतदार प्राणी, उसको नहीं कहूँगा। तेरे जैसे गधे वहाँ नहीं आएंगे, लेकिन जो समझता है, जो इस चीज़ को समझता है फैजल खान के बारे में, जिनकी जानकारी है ना, वो 100% इस पिक्चर को समय निकाल के, समय की जरूरत पड़ती है, और ये समय निकाल के इस पिक्चर को पक्का देखेंगे। भले स्टोरी कैसी हो, कम से कम कोशिश तो उस बंदे ने करी कि अपने को स्टैंड करने की, खड़ा करने की अपने दम पर, समझ गया। तेरे मुँह में जूता तो वक्त के साथ पड़ जाएगा, जब ये पिक्चर अच्छी तरह कमाई करेगी, समझ गया, समझ गया। और ये बोलता है कि लड़की जो है आपकी, ये क्या बोलता है कि इतने, फैजल खान बोलता है कि इतने पैसे भी नहीं कमाए। केयर का बुक का कहना है कि फैजल खान ने इंटरव्यू दिया था कि इतने इतने पैसे भी नहीं कमाए कि वो एक लड़की अफोर्ड कर सके और शादी कर सके, ठीक है। बंदो इस, ये बात फैजल खान ने कही है नहीं कि मुझे नहीं पता, अगर उसने कही भी रहा, कम से कम हिम्मत करी है उस बंदे ने कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी को उसकी मतलब ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ और परिवार को चला सकूँ। वो बंदे ना सच्चा इंसान है, और सच्चे इंसान की इज्जत और सम्मान करती है। जो चाटुकार करते हैं पीठ पीछे, मेरे पास ये है, फलाना ठिकाना ये है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और बेवकूफ़ बनाते हैं उन लोगों से, ये बंदा अच्छा है जो सच्चा है, ठीक है। तो इसकी औकात के आर के की औकात भी उसने उसको बताई है कि तू जिस तरीके से मतलब पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है ना, मैं पैसों के लिए ये करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और ना मैं आमिर खान से कंप्रोमाइज़ करूँगा, ना किसी कंप्रोमाइज़ करूँगा। अपने स्वाभिमान के आगे ये बंदा खड़ा है, और बिल्कुल स्तंभ की तरह, शोक की लाट की तरह ये बंदा खड़ा हुआ। इसलिए मैं फैजल खान को इस मामले के लिए 100 में से 200 नंबर देता हूँ दोस्तों, यानी कि फुल सपोर्ट है मेरा फैजल खान के लिए, ठीक है। म्यूजिक में ये बोलता है ना, म्यूजिक में पैसा आएगा, ना थिएटर में पैसा आएगा, किसी चीज़ में पैसा नहीं आएगा, निर्माता का पैसा तो गया। दोस्तों कहने के लिए बता देता हूँ कि उसकी अच्छी कमाई चल रही है, और बहुत अच्छा पैसा वो लोग कमा रहे हैं, और 4 करोड़ तकरीबन थिएटर मिले नहीं है, कोई सपोर्ट किसी का मिला नहीं है। नेपोटिज्म यूथ स्तर में पूरे देश के अंदर किस तरीके से पल रहा है, बड़ा हो रहा है नेपोटिज्म नाम का वायरस, इस वजह से इनको ना थिएटर मिले, ना प्रमोशन मिला, ना कोई क्रिटिक सामने आया इनका सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये कहता है कि आमिर खान की बहुत इज्जत है दुनिया में, आमिर खान की इज्जत बहुत है दुनिया में। अबे दल्ले, तेरी वजह से, तेरी तू चमचागिरी करता रहे, तू करता हो आमिर खान की इज्जत, मैं आमिर खान की कोई इज्जत नहीं करता हूँ। जो देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं है, समझ गए, समझ गए। जिसको भारत में डर लगता है, ठीक है, जो बोलता है भारत में जो खतरा है मुझे भान जा चाहिए, इसको तो पहले ही गवर्नमेंट ने धक्का मार के बाहर निकाल देना चाहिए था, समझ गए, समझ गए। और इस ऐसे गद्दारों को हम ना मुँह लगाते हैं, और हमारे लेबल में हमारे जूते के पैर के तलवे के बराबर भी नहीं है, फटे हुए तलवे, जो जूते के फटे हुए सोल है ना, उसके बराबर भी हम नहीं समझते। रीज़न ये है कि वो देश का नहीं है, समझ गया। कह के इस चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी कमज़ोर इंसान को फैजल खाली पिक्चर देखें मदद से भी। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज के समय में ना लोग पैसे के लिए अपने को बेचने को तैयार हैं, अपने खानदान को बेचने के लिए तैयार हैं, और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार हैं कि बस पैसे वालों का ही बस चले। तो दोस्तों हमको जानना होगा, समझना होगा कि पैसा ही बहुत बड़ी ताकत नहीं है, और पैसे वाला बंदा कोई बड़ी हस्ती नहीं है। जनता सही हो, पैसे से भले कमज़ोर हो, लेकिन अगर स्वाभिमान और सच्ची हो ना, तो अच्छे अच्छों की फाड़ कर देती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।